हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में साथ शुरुआत करने जा रहे हैं आज का फिर से शनिवार का दिन। और इस बार थोड़ा ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार हमारे साथ में है मिस्टर हेलो फ्रेंड। और इस बार स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड अपने होम टाउन और किसी की शादी में भी और घूमने के पर्पज से भी। और लगेज देखो काफ़ी है। और नेक्स्ट स्टेशन में हमारी सिस्टर भी मिलने वाली हमें और उसके साथ में आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे का सफर तय करते जाएंगे और क्या घूमते जाएंगे नए नए जगह पर और आपको और अपडेट करते जाएंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। फाइनली रात भर ट्रेन सफ़र करने के बाद मैं पहुंच चुका अपने गांव जो कि पड़ता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहां आने का रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं यहां किसी की शादी में आया हूं और जो बचे हुए दो तीन दिन होंगे उसके अंदर मैं कहीं घूमने का प्लान भी बनाया है और मैं आया हूँ अपने सिस्टर्स के साथ में। और देखते हैं कि आगे क्या क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल तो हमें एक शादी में जाना है और वो भी कल ही निकलना है। लेट्स सी, एंजॉय द वी। दोस्तों ये कुछ प्यारा सा व्यू मेरे घर से दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पे बारिश हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है। यही फ़ायदा पहाड़ों पर रहने का है क्योंकि आप इजीली पता लगा सकते हैं कि मौसम कहाँ कितना ख़राब हो रहा है कहाँ कितना सही है। शाम के टाइम पे ओहो व्हाट ए व्यू एंड हवा भी एक नंबर। क्या नाम बताया था इसके बाद? इसको बोलते हैं करंट फ्लावर। इसको हाथ लगाते ही झटके खाएगा तू। इसकी दवाई तो लो फिर साइड में भाई। इसकी दवाई कहाँ है? दवाई ढूंढनी पड़ेगी यार। दवाई भी होती है इसकी, इसकी मेडिसिन भी आसपास है। इसको घात लगाते ही क्योंकि गाली देते हैं भैया, क्योंकि गाली देते ही ये लोग क्योंकि खेत इनके। अगर आप किसी की फसल ख़राब करोगे तो गाली ही पड़ेगी आपको। और यहाँ का स्कूल छोटे छोटे रास्ते ही पगडंडियाँ। और यह है हमारा देवी माँ भगवती का मंदिर हाइट पे। दोस्तों प्लान तो जहाँ पर शादी है वहाँ ट्रैकिंग करके जाना था लेकिन बारिश बहुत हो रही है और इसलिए हमें कैब करनी पड़ेगी।
दोस्तों यह है शिव जी का मंदिर जहाँ मैंने सुबह नहा धोकर के दिया जलाया था, और ये यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी है, और यहाँ की यहाँ जो पब्लिक रहती है वो यहाँ से यहीं से पानी भर के लेके जाती है, चाहे वो पीने के लिए हो। यहाँ पब्लिक नहाती भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत झरना है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। दोस्तों झरना देखने के बाद मेरा मन कर गया कि मैं अपने पुराने खेत देख के आऊँ, जो कि थोड़े नीचे साइड में जा कर के हैं, तो वहाँ जा करने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, और रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि वहाँ बीच में है पानी के नेचुरल सोर्स भी दिखने वाले हैं, जहाँ पर जिसे पहाड़ में क्या बोलेगा नौला कहते हैं। चलो आपको यहाँ क्या बोलेगा भाई, अगले ही मोड़ दूर दूर तक अपना सब कुछ अपना नहीं है, सब कुछ मतलब सबका है, मतलब किसी का तो हो गई। ये हमारी फैमिली की तो है सारे लोग जितने भी है ना। पहुंच के जंगल में, रास्ता थोड़ा डरावना सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं आसपास, दो हैं सुनसान। बढ़िया यार, ये है पानी का नौला, ये देखो पूरा नेचुरल सोर्स है पानी का, और बिल्कुल एकदम प्योर है, कुछ भी इसमें आपको ख़राब नहीं मिलेगा। थोड़ी काई जमी लेकिन पब्लिक आती है यहाँ से पानी ले जाती है। ना 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 ना। आगे पीछे कभी तो आते हैं दोनों करो ना। अरे उससे कोई मतलब ही नहीं ना, यूज कहाँ था वो। दोस्तों आगे ये थोड़ा बुरा हाल है रास्ते का, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही बादल फट गया था, जिसकी वजह से पानी एक साथ आया और कुछ खेतों को बहा करके ले गया, जिसकी वजह से यहाँ एक नेचुरल सोर्स हुआ करता था पानी का, जो कि पेड़ के नीचे से हुआ करता था, लेकिन अब मलबे का वो दब चुका है। दोस्तों जब मेरी फैमिली यहाँ खेतों में फिर भी यहाँ पानी की यह करती थी, तो यहाँ पर हम लोग चावल उगाया करते थे, क्योंकि यहाँ मेंढक का मित्र है जहाँ पानी बढ़िया हो और काफ़ी ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पर हम चावल उगाते थे। लेकिन टाइम के साथ में सब कुछ चेंज हो गया और हम लोग यहाँ जयपुर आ गए। देखिए आगे खेत भी है हमारे, मच्छियाँ नहीं हो मेंढक हो। हाँ मेंढक हो, आया दोस्त, ये है अपना खेत, बंजर हो गया यार। अब यहां से नीचे जाना मुश्किल है। वहां से आती Thank you.
तो शादी में फुल एंजॉय करने के बाद में फाइनली हमारा दिन था कि हमको नैनीताल के लिए निकलना था, और इसी साथ में हम वहाँ से निकल लिए। अब हमें नैनीताल में रुकना है और वहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह और बोटिंग वगैरह करनी थी, जो कि हम पहले से डिसाइड करके आए थे। लेकिन आज व्यू वाकई बहुत प्यारा है और बारिश भी बहुत हो रही है। दोस्तों सामने आपको ताल दिख रहा है, वो नौकुचिया ताल है, क्योंकि इसमें नौ कोने हैं। ऐसे ही यहाँ पर तीन ताल है, एक नैनीताल और एक भीम ताल, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। हेलो भाई, तेरी क्या होगा? बारिश तीन ग्राम से हां कौन है भैया? रहन दो, बारिश हो रही है, अपनी कर दो। रहन दो, ठीक है, रहन दे। मत मत बाइक पे बिठा, मत मत पागल आ रहे हो, करो बाइक पे भी दे, पता चला कौन ने बताओ। सही मेरे है ना, हमारी बात और ये देख कितना लंबा गया है। भैया बोल रहे हैं बारिश को देर से हालत देख के मौसम की लगा टेंट ही बुक करना पड़ेगा। हाँ
लो।